फिर बट दोस्तों आज हम सीखें एसएससी रीजनिंग महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए 6 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से कोई धन 7/4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें यानी गुना हो जाता है ना। ऐसे सवाल कैसे हल करेंगे दोस्तों? देखिए n-1 अपान इसमें समय दे रखा, तो यहाँ समय लिख दो और यहाँ पे क्या लिखते हैं 100/1। तो n का मतलब कितना है? ये जो गुना है ना, 7/4 - 1 और बटा 6 × 100। 7 तो यह 4 ऊपर आ जाएगा, 4/4, 7 में 4 के तो 3/4 गुणित 6 यानी 1/6 × 100/1। 3×1 = 3, 2×6 2 से काटो 50 और 2×2 = 4 और 25 और 25/2 यानी कि 25 में 2 का भाग लगाए तो 12 से 1/2%। ठीक, तो बी ऑप्शन अपना राइट हो गया। थैंक यू दोस्तों, बड़े अच्छे लगे।